أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء پھر کہا أسجده والآدم فسجده پھر بار بار پکارا يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم سورہ بکرا سورہ معاہدہ سورہ اعراف سورہ الحجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کاف سورہ طٰہٰ سورہ سجدہ سورہ سواد اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو پکارا 25 دفعہ قرآن پاک میں جو نام بار بار لیا گیا وہ عظیم ہستی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ کہیں فرشتوں کو خوشخبری دی میرے رب نے یہ کہہ کر کہ میں کھنکھناتے ہوئے گارے سے ایک انسان بناؤں گا، کہیں کہا کہ میں ایک ایسی شخصیت بناؤں گا، ایک ایسا انسان بناؤں گا جو تم سے زیادہ عقل رکھتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس نام کا انتخاب کیوں کہا کیا گیا اور یہ نام ہے کیا؟ بنیادی طور پہ یہ عبرانی لفظ ہے آدمہ، جس کے معنی ہیں زمین یا مٹی۔ تو عبرانی لفظ آدمہ سے آدم لیا گیا، جس سے پھر آدمی نکلا۔ اس کو سن آف ارتھ بھی کہتے ہیں، اس زمین کا بیٹا۔ عمومی طور پہ یہ جو لفظ آدم ہے یہ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال، فیمیل نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس لفظ کے اوپر شاعری بھی ہوئی۔ آدمزاد انسان اپنے آپ کو کہلاتا ہے اور آدمزاد کے نام سے جانا بھی جاتا ہے۔ آدم لفظ اتنا اہم ہے انسانی زندگی میں کہ جس کو اللہ نے نام دیا اور جس کا واقعہ بار بار اللہ نے مختلف جو کتابیں ہیں جو انبیاء پر آئیں ان میں ذکر ہے، جا بجا ذکر ہے، چاہے اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ آپ لے لیں، بائبل کا ذکر ہے اس میں، زبور میں ہے، بہت سارے صحیفے آئے ان میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی، سو باقی کتابوں کے اندر بھی ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے اور بڑی ڈیٹیل سے۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دوسری کتابوں کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما ہوا کا ذکر بڑی ڈیٹیل میں، بڑی تفصیل سے ملتا ہے۔ آدم بنیادی طور پہ جو زمین پر پہلا انسان آیا، تمام مذاہب بغیر کسی کنٹروورسی کے یا بغیر کسی کانفلکٹ کے اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ آدم پر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آدم کے اوپر شاعری بھی ہوئی۔ غالب کا بڑا مشہور شعر ہے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ پھر اسی طرح میر تقی میر نے کہا کہ آدم خاکی سے عالم کو جلا ہے ورنہ
आईना था तो मगर काबिले दीदार न था। और एक और जगह पर एक और शायर ने कुछ यूं कहा कि जितना रोना था रो चुके आदम, और रोएगा आदमी कब तक। फिर आप देखें कि साहिर लुधियानवी ने क्या खूबसूरती से इस लफ्ज को जो आदम है इसको अपनी नज़म में परोया। कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। सो आप देखिए कि बुनियादी तौर पर आदम और नस्ल आदम, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदम, और इंसान के साथ साथ इस नाम से भी पुकारा गया या अय्युहल इंसान, कहीं पे फरमाया मेरे रब ने, कहीं कहा कि या बनी आदम। सो बनी इंसान और बनी आदम जो है बुनियादी तौर पर अल्लाह की वो मखलूक है जो आप और मैं हैं, और जिनके बारे में अल्लाह ताला के बहुत सारे कंसर्न्स हैं। अल्लाह ताला हमेशा ये जितने भी जो भी मज़हब, जितने भी किताबें आएँ, जितने भी रसूल आए, ये बनी नो इंसान या बनी आदम या ये जो इंसान है इसकी फ़लाह और बहबूद, और इनके इनको राह रास्त पर रखने के लिए, इनको सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए, और इंसानों के अंदर जो गुमराह इंसान हैं उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए, और जो हमारे अंदर एक बदी और शर का एक जो मादा पाया जाता है उससे इंसानों को दूर रखने के लिए, ये सारा अल्लाह ताला ने रसूलों की शक्ल में और किताबों की शक्ल में और तबलीग की शक्ल में, और अल्लाह ताला ने जो अपने जो सहीफे भेजे उनकी सूरत में, मकसद ये था कि इंसानों को ये बताया जाए कि ठीक क्या है और गलत क्या है, जो अच्छे और बुरे की तकसीम है, जो सही और गलत की जो एक तफरीक है, वो जो एक लाइन है जो इंसान हमेशा भूल जाता है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़रिए, अपने नेक लोगों के ज़रिए, अपने पैगंबरों और रसूलों के ज़रिए इंसानों को ये समझाने की कोशिश की कि अगर तुम राह रास्त पर रहे, अगर तुम अच्छा काम करते रहे, अगर तुम ठीक रहे, और अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, और जो मैं कहता हूँ वो मानते रहे, और तुमने फसाद ना फैलाया, अगर तुमने शर ना फैलाया, अगर तुम ठीक रहे, तो फिर यकीन करो तुम्हारे लिए इस दुनिया में मनोसरवा भी मिलेगा, तुम्हें नेकी करने की सूरत में राहत मिलेगी, तुम्हें अच्छे काम करने की शक्ल में तुम्हें जो तहाइफ मिलेंगे वो तुम्हें सुकून मिलेगा, नेक औलाद मिलेगी, यहाँ पर भी तुम्हारे लिए अच्छा है, और फिर उस जहान के बाद जो एक दूसरी दुनिया है, एक दूसरा जहान है जो पर्मानेंट लाइफ है, उसके अंदर भी तुम्हारे लिए जो है बहुत कुछ है। लेकिन बदकिस्मती से आदमजाद ये चीज समझ नहीं पाया, बदकिस्मती से नस्ल आदम जो है वो अल्लाह के उस पैगाम को, उसकी जो एसेंस थी, उसकी जो रूह थी, उसको नहीं समझ सके। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज नस्ल आदम जो है वो उसमें तफरीक है, कहीं वो ग्रोहों में तकसीम है, कहीं ग्रुपों में बट गई है, कहीं पे जात है, कौम है, रंग है, मुल्क है, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है, एक के हाथ में पत्थर है दूसरे के सर से लहू निकल रहा है, एक के हाथ में दूसरे का गिरेबान है, एक के हाथ में दूसरे की गर्दन है, एक के हाथ में दूसरे के की शहरग है, और वो उसको दबाए चला जा रहा है, उसको मटाने के दर पे है, उसकी जान लेने के दर पे है। और इस चीज का फायदा अब्लीस उठाता है, शर की कुवतें उठाती हैं, वो कुवतें जो अब्लीसियत के साथ हैं, जो शर के साथ, और वो नए नए
हथकंडे इस्तेमाल करता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तकसीम में इंसान और आदम के हाथ क्या आता है। उसे गुलामी मिलती है, उसे पस्ती मिलती है, उसे अंधेरे मिलते हैं। उसे अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो घाटा है, उसकी नफा उसको नहीं मिलता। उसको अगर कोई चीज़ मिलती है तो वो नुकसान है, फायदा नहीं मिलता। वो नुकसान इब्ने आदम का गुलाम बनकर है या गुलाम इब्ने आदम गुलाम इब्ने आदम गुलाम इब्ने आदम बनकर। गुलामी जरूरी नहीं है कि वो जो टिपिकल गुलामी जो हमारे जहन में एक जो तसव्वुर आता है कि शायद इंसानों के गलों में जो है गलों के अंदर जो है वो तौक डाले होते हैं, जंजीरें डाली होती हैं, बांधा होता है, उसको खींच रहे होते हैं। गुलामी की शक्लें बदल चुकी हैं दुनिया में, और नस्ले आदम की तफरीक का फ़ायदा वो कुवतें उठाती हैं उन्हें गुलाम बनाकर, जो कुवतें बुनियादी तौर पर शर और अबलीस की कुवतें, जो गुनाह की कुवतें। अगर आप स्लेवरी सिस्टम को पढ़ें और देखें या गुलामाना ज़हनियत का मुतालिया करें तो इसमें जहां नफ्सियाती तौर पर कुछ पहलू कारफरमा है, वहीं पर इसके पीछे मुआशी मामलात भी जो है वो भी छुपे हुए। कोई हाथी था, उस हाथी को उसका जो मुहार था उसने बड़े ही छोटी सी रस्सी से बांध रखा था, बड़ी नाजुक सी रस्सी से। तो किसी ने पूछा कि तुमने इस रस्सी से इसको बांधा हुआ है, ये चाहे तो एक सेकंड में एक झटके में इस रस्सी को तोड़ दे। तो उसने कहा नहीं, ये नहीं तोड़ेगा। तो उसने पूछा क्यों, तो उसने कहा इसलिए कि जब ये छोटा था तो मैंने उससे कहीं ज़्यादा मजबूत रस्से से इसको बांध रखा। ये रोज उसके साथ लड़ता, रोज कोशिश करता उसको तोड़ने की, तोड़वाने की, अपने आप को उससे आज़ाद करने की। आहिस्ता 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 इसने तस्लीम कर लिया, इसके जहन ने इस चीज़ को मान लिया कि मैं इस रस्से से नहीं लड़ सकता, मैं इस रस्से को नहीं तोड़वा सकता। और फिर जब इसने तस्लीम कर लिया तो मैंने वो रस्सा आहिस्ता आहिस्ता एक इस छोटी सी नन्ही मुन्नी सी रस्सी पे ले आया हूँ। अब ये इस रस्सी से इसलिए नहीं उलझता कि ये ज़हनी तौर पर गुलाम हो चुका है इस रस्से के आगे, और ये मान चुका है, ये तस्लीम कर चुका है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़वा सकता। इब्ने आदम आज तस्लीम कर चुका है कि शायद वो उस सिस्टम से नहीं लड़ सकता, उस शर की कुव्वत से के आगे जो है वो बेबस है, वो शर की कुव्वत जो आज उसके लिए नुकसान का बायस है, जो आज उसको तफरीक करती है, जो आज उसको तकसीम करती है, जो आज उसके ऊपर जो है बहुत बुरी तरह से उसकी मुईशत को जिसने अपने चुंगल में ले रखा। सो इब्ने आदम जो है उसके आगे सरनगुं हो चुका है, इब्ने आदम उसके आगे जो है सर झुका के बैठा हुआ है, इब्ने आदम उसके आगे जो है अपने आप को सरेंडर कर चुका है। वो अब उससे लड़ नहीं सकता, उसको पता है कि ये सिस्टम जो है जिसकी गुलामी में मेरा बाप रहा और उसकी गुलामी में उसका बाप और फिर उसका बाप और उसका बाप, और हम गुलाम इब्ने गुलाम जो है इस सिस्टम के आगे गुलाम चले आ रहे हैं। हम इससे नहीं लड़ सकते, ना जान छुड़ा सकते हैं, ना इससे पीछा छुड़ा सकते हैं, और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। मॉडर्न स्लेवरी सिस्टम में तो हमारी जिस्मों पर मोहरें लगाई जाती थी, लेकिन फिर थोड़ा सा तब्दील हुआ, हालात तब्दील हुए और वही मोहरें हमारे पासपोर्ट पे लगने लगी। आज हम जाके उन गुरों की गुलामी करते हैं, वो तमाम तर नौकरियां जो इंतहाई पस्त दर्जे की होती हैं, तीसरे से भी आखिरी दर्जे की होती हैं, वो हम करते हैं जाके। चाहे वो भारत से उनका ताल्लुक हो, बांग्लादेश से हो, यहां से हो, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के उन तमाम मुल्कों से, अफगानिस्तान से, जिनका
जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है, वो जाते हैं वहां जाके जो है वो हर वो बुरा काम करते हैं जो उनको, जो शायद वो यहां अपने मुल्क में रहते हुए बिल्कुल ना करें। बाहर जाके वो बेडशीट्स भी चेंज करते हैं, बाहर जाके वो बाथरूम भी साफ करते हैं, बाहर जाके उनकी गंदगी भी उठाते हैं, बाहर जाके उनका कूड़ा क्रिकेट साफ करते हैं, बाहर जाके उनकी गाड़ियां चलाते हैं, बाहर जाके उनके बच्चे नहलाते हैं, उनके कुत्ते नहलाते हैं, उनके जानवरों को आगे जो है झुक के बैठे होते हैं। बाहर जाके हम हर वो काम करते हैं जो एक गुलाम करता है, एक गुलामाना ज़हनियत का शख्स कर सकता है, हम वो सारे काम करते हैं। लेकिन इससे भी आगे जो स्लेवरी सिस्टम है, अब उसकी कबाहतें और बुरी तरह से आदमजादों को जो है उन्होंने बांध लिया है और हमें, हम देखते हैं, हमें नजर आता है कि अब वो अनदेखी कूवते हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की सूरत में है, चाहे वो IMF की शक्ल में है। उन्होंने हमें अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो है बांध लिया और हमें गुलाम कर लिया। हम मानते हैं उनकी हर वो बात जो शायद हमें काबिलो कबूल भी नहीं होती। आम हालात में हमें अपने बिजली के निर्ख इसलिए बढ़ाने पड़ते हैं कि हम गुलाम हैं। हमें अपनी अशियाए जरूरिया की कीमतें इसलिए इंक्रीज करती पड़ती हैं कि हम गुलाम हैं। हमारे अजदाद भी गुलाम थे, हम भी गुलाम हैं, हमारी अगली नस्ल भी गुलाम रहेगी, इसलिए कि हम उनसे लेके खाते हैं। बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमारा हाथ जो फैला हुआ होता है उनके आगे कर्जों के लिए लेने के लिए, वो फिर अपनी डिमांड्स हमारे आगे रखते हैं और हम जो आदमजाद हैं, जो आदम की औलाद में से हैं, हम उनकी हर वो बात तस्लीम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं जो बात हमारे अंदर को चाहे दिन रात मारती रहे। ये पस्ती, ये तनजली, ये बदहाली, ये इसलिए है कि हमने ज़हनी तौर पर यह तस्लीम कर लिया है कि हम इस सिस्टम को, इस निजाम को नहीं बदल सकते, और यही उनकी जीत है और यही हमारी हार। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।